दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं आईपीसी 325 धारा 325 के बारे में, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। बात करते हैं अपने टॉपिक पर, आईपीसी की धारा 325 क्या कहती है। 325 ये कहती है कि गौर उपत्ति करना 325 की श्रेणी में आता है। मान लो आपको ये पता है कि किसी व्यक्ति के से साथ मारपीट, दो व्यक्ति है ए बी और सी, दोनों के साथ मारपीट है कर रहे हैं, तो बी को ये पता है कि हम इसके साथ इस दार तार हथियार या लकड़ी या लठ आदि से मारपीट करेंगे तो इसे गौर उपत्ति हो सकती है, इसे नुकसान हो सकता है, इसकी जान भी जा सकती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आईपीसी की 325 की जो धारा है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर हमला करता है, जानबूझकर उस व्यक्ति को मारने की कोशिश करता है, तो आईपीसी की सेक्शन 325 के जुर्म के अंतर्गत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। क्योंकि हमें पता है कि इस ऐसा करने से इस प्रकार का होगा, ऐसे करने से इसे चोट पहुंच सकती है, मर भी सकता है, या गंभीर प्रकृति की चोट हो सकती है। उपहति जानबूझकर, अपन को मालूम है कि हम इस लकड़ी या धारदार हथियार से सरिया से मारेंगे पीटेंगे तो इसे हमला करेंगे तो इसे चोट पहुंच सकती है या मर भी सकता है, तो ये कुल मिला के अपन को ये पता है जानबूझकर किसी के साथ इस प्रकार की घटना या वार करना या हमला करना या उपहति करना, ये 325 आईपीसी के तहत मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति को किसी के बारे में, किसी घटना के बारे में पहले से जानकारी होना कि उसे ये होगा इस ऐसे करने से, सारी चीज़ें मालूम होती है। मान लो हम कोई काम करने जा रहे हैं, हमें पता है कि हम वहाँ से वहाँ जाएंगे, ये काम हमें करना है। अब मान लो उस व्यक्ति को ये पता है कि धारदार हथियार से या सरिया से लकड़ी से अगर उसे मारेंगे तो उसे नुकसान पहुँच सकता है या वो उसकी जान जा सकती है। इस प्रकार का कोई व्यक्ति जानबूझकर उपहति कार्य करता है, हमला करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 325 में मुकदमा दर्ज होगा और उस व्यक्ति को 1 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।